आज हम रेडीमेड प्लाजो में रिफाली और कली दोनों लगाना सीखेंगे और इसकी लेंथ भी कम करना सीखेंगे, क्योंकि ये फुल लेंथ के होते हैं। अगर कोई शॉर्ट हाइटेड महिला हैं या फिर थोड़ी सी हेल्दी हैं तो उनके लिए ये किस तरीके से कंफर्टेबल होगा रेडीमेड प्लाजो, तो आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम इसके ये क्रोच एरिया है, ये आसन का एरिया, इसमें रिफाली नहीं पड़ी हुई है और ये जो है थोड़ा सा थाई की तरफ से भी थोड़ा टाइट है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मेज़रमेंट लेंगे और इसकी हमें लेंथ भी कम करनी है। इसका मेज़रमेंट लेते हैं हम, ये इसका मेज़रमेंट है 37 इंच, मतलब 37 इंच की इसकी लेंथ है, लेकिन हमें जिनका ये प्लाजो बनाना है उनकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो 33 इंच हमें इसकी फुल तैयार लेंथ रखनी है। तो क्या करेंगे हम, 33 लेंथ में हम दो प्लस करेंगे नेफे के लिए, ऊपर लास्टिक या नेफा आप कुछ भी डाल सकते हो, नाड़ा भी डाल सकते हो। तो हम इसमें 35 इंच पर मार्क करेंगे इसकी लेंथ का। तो नीचे से हम इसका नाप लेते हैं और 35 इंच पर हम इस पर निशान लगा देते हैं। ये देखिए, हमने 35 इंच पर निशान इसका लगा दिया है और नीचे से पूरा सीधा नाप कर अच्छी तरीके से इसको 35-35 पर मार्क कर देंगे ताकि ये ऊंचा नीचा ना हो सके। अब फिर हम इसको स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। और इस पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, और ये थोड़ा सा रफ कटिंग हुई है इसकी, इसलिए हम इसको सीधा करके एक अच्छी सी फिनिशिंग वाली कटिंग इसको दे देते हैं। इस तरीके से देखिए साफ कटिंग कर दी गई है अब इसकी। तो हमने इसकी लेंथ छोटी कर दी है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका जो आसन का एरिया है जिसको हम क्रोच एरिया भी कहते हैं, उस पर हम मेज़रमेंट करेंगे। तो 2 इंच का हमने नेफे का जो है वो छोड़ दिया है एरिया। उसके बाद हम 13 इंच पे मार्क करते हैं 13 इंच पर। तो 13 और 2 प्लस 15 इंच हो गए। तो इस तरीके से हम इसको मार्क 15 इंच पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कट लगा लेंगे या फिर हम चौक की मदद से निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इधर दोनों तरफ मार्क लगा दिए हैं। ये हमारा आसन के एरिया का, क्रोच एरिया का निशान लग गया और हम इसको उधेड़ देते हैं। इसकी जो सिलाई हुई भी थी पहले निकाल देते हैं। ये देखिए, हमने दोनों तरफ इसमें मार्क लगा दिए हैं। अब हम इसको उलट देंगे और इसका जो बॉटम का एरिया है नीचे, फ्लेपर एरिया है जो इसका, उसको लेते हैं। ये देखिए बॉर्डर है ये, हम इसको शॉर्ट इस तरीके से भी शॉर्ट कर सकते हैं इसकी लेंथ कटिंग करके, और ऊपर से भी हम इसकी शॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये जो है बहुत चौड़े एरिया का है इसका नीचे का बॉटम, ये 13 इंच का है लगभग, तो हमें इस पर 7 इंच का इसका हमने रखना है। जिनका ये कस्टमर का है उन्होंने 7 इंच का बोला है इसका बॉटम रखने के लिए। 7 इंच पे हम मार्क करते हैं, बाकी का जो साइड से हमारा कपड़ा बचेगा हम उसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। फिर इसके बॉटम से जो मैंने मार्क लगाया है उसको, और जो क्रोच एरिया पे मैंने मार्क लगाया था ऊपर, उसको शेपर की मदद से, या फिर आपके पास शेपर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप इसको उसकी बिना मदद से भी एक इसकी गोलाई देते हुए मार्क लगा सकते हैं। तो हम ये इस तरह से मार्क लगा लेते हैं। और अब हम यहाँ से इसकी कली और रिफाली मियानी दोनों ही निकालेंगे। तो ये हम इसकी कटिंग करते हैं। ये
ये हमारे पास कपड़ा बच गया इसकी कली निकालने के लिए, ये देखिए। अब हम इसको उलट कर, क्योंकि हमारा जो शेप आएगा वो नीचे की तरफ आएगा जैसे हम शलवार में लेते हैं, फिर हम इसको उलट कर इस तरीके से रखेंगे ताकि थाई पर जो थोड़ा टाइट होता है रेडीमेड प्लाज़ो, आपने नोट किया होगा, उससे लूजिंग हो जाए और ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। आप इसको बहुत आसानी से घर पे अपने साइज़ और अपनी हेल्थ के हिसाब से इसको मेज़रमेंट कर सकते हो। ये ऊपर से हम इसकी रिफाली की कटिंग भी कर लेते हैं। तो फिर हम इसकी चार रिफाली और चार कलियों की कटिंग कर लेते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं। और चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिफाली और कली को आपस में पहले जॉइंट करेंगे। हम पहले उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले आपस में जॉइंट कर लेंगे रिफाली को और कली को, और इसको हम देख लेंगे कि कहीं ये उल्टा तो नहीं है, तो हम इसको लगाकर देखते जाएंगे कि ताकि ये सीधा रहे, और इसको हम जॉइंट कर लेंगे। हम चारों कलियों को रिफाली के साथ जॉइंट करते जाएंगे। इसको हम रख कर देखते जाएंगे ताकि ये सीधा बैठे और इसमें कोई उल्टा ना हो। इसको हम खोल कर और रख कर ही हमारी समझ में आएगा। अब जब आप शुरू करेंगे बनाना तो आप बहुत इजीली इसको समझ पाओगे। ये देखिए, हमने जो इसकी रिफाली और कली दोनों अटैच कर ली हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्रोच एरिया को जोड़ेंगे आपस में, इधर से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से। और ऊपर हम इसमें नेफा मोड़ देंगे इसका। आप चाहो तो ऊपर लास्टिक डाल सकते हो, चाहो तो आप इसमें नाड़ा डाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। ये देखिए, थाई से ये लूज़ हो गया, थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका है बहुत, और ये पूरा हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमने बीच में स्टिचिंग कर दी है इसकी। हमारे जो ये थोड़ा सा शलवार जैसा लुक दे रहा है हल्का सा, तो ज़्यादा कंफर्टेबल है पहले से ज़्यादा। इस तरीके से हम इजीली इसको रेडीमेड प्लाज़ो को बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे और आपके चैनल फैशन क्रोज़ को, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे।